व्यवहार में ये सूत्र है, इसको मानना ही चाहिए, नहीं तो व्यवहार में असफल हो जाएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में भैया ऐसा करने से असफल हो जाते हैं। एक बार एक महात्मा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो एक धोबी जी जो थे वो कपड़े धो रहे थे। वो कपड़े धोने में इतने मगन थे भाई कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कपड़ों के छींटे महात्मा जी को लग रहे। महात्मा जी ने कहा, भाई थोड़ा ध्यान से धो, मेरे को छींटे लग रहे, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। फिर नहाए महात्मा जी, फिर आए और धोबी जी फिर से ऐसे ही कपड़ा धोए, झटके छींटे लगे। महात्मा जी ने कहा, भैया थोड़ा सा ध्यान देना भाई। धोबी गालियां देने लगे, अरे जाओ जाओ कहीं और चले जाओ नहाने के लिए, घाट क्या तुम्हारे पिताजी का है, मेरे चाय जैसे करूं। हाँ बड़े आए, छींटे लग रहे, वो लग रहे, तो बैठ जाओ अंदर ही जाके बैठ जाओ। मुंड मुंडाए हैं, निकल पड़े हैं, घर बार छोड़ के नहीं, नाटक कर रहे हैं, ऐसे वो अपशब्द बोलने लगा। तो तुरंत ठाकुर जी ने कहा कि अरे मेरे भक्त को कुछ कह रहा है, मैं अभी जाता हूं। भगवान निकले। लक्ष्मी जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले वो एक धोबी जी हैं, धोबी है वो जो है मेरे भक्त को उटपटांग बोल रहा है, मैं जा रहा हूं। अच्छा सरकार पधारी है। लेकिन थोड़ी देर में ठाकुर जी फिर आ गए वापिस। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ? पाचा बेगा आया, जल्दी आए वापिस, क्या बात है? क्या भक्त मिला नहीं क्या? बोले मिला तो सही, तो बोले मेरा भक्त भी धोबी हो गया।